लोगों को साथ लेकर आइए, उन सबको तो टिकट दे देगी। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा कमिटमेंट चुनाव के जब साथ आए थे तब का था, ये नहीं था कि 2023 में भी अगर वो कमजोर होंगे तब भी हम उन्हें लड़ाएंगे, क्योंकि पार्टी की एक लाइन क्लियर थी कि जो जिताऊ है उसे ही मौका देंगे। तो उस सीट जिताऊ के इस पूरे दावे के बीच जो संख्या थी वो 2-3। शैलेंद्र, एक नाम को अगर देखा जाए थोड़ा सा तो एक तो जीतू जिराती याद आ गए अचानक से जब हम चर्चा कर रहे हैं। एक लेटर उनका वायरल हो गया, उन्होंने कहा कि कैसे वायरल हो गया पता नहीं चला, तो जीतू जिराती को निराशा हाथ लगी। उन्होंने एक प्रकार से वफादारी बताकर टिकट ना कहते हुए भी टिकट को टिकट मांगने की कोशिश की थी। एक जीतू जिराती याद आ रहे हैं, अभी हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी भी याद आ रहे हैं कि आए और टिकट मिल गया। ऐसे कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि मान ली गई कुछ लोगों की बात मान ली गई और उन्होंने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते तो उनको टिकट नहीं दिया गया। यशोधरा राजे सिंधिया की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी रहा कि किसी ने कहा कि हमको नहीं हमारे बच्चों को टिकट दे दो, तो वो भी बीजेपी ने बात मान ली। हाँ, देखिए सबसे पहले आपने जीतू जिराती की बात की, तो जीतू जिराती जहाँ से विधायक रहे हैं वो राव विधानसभा सीट है। तो जीतू जिराती एक बार वहाँ विधायक बने, उसके बाद जीतू जिराती अगला चुनाव जीतू पटवारी से हार गए। उसके बाद जीतू पटवारी वहाँ पर एक मजबूत नेता कांग्रेस के हो गए, वो लगातार उभरते रहे। तो पार्टी ने जीतू जिराती को ये समझा कि अगर इन्हें फिर से हम मौका देते हैं तो वहाँ सीट नहीं निकलेगी। पिछले चुनाव में मधु वर्मा को लड़ाया था, इस बार भी पार्टी ने मधु वर्मा पर ही भरोसा जताया क्योंकि वो काफी नजदीकी मुकाबला हारे थे। तो इस तरह जीतू जिराती को राव से टिकट मिलना नहीं था। जीतू जिराती प्रयास कर रहे थे कि हमें काला पीपल से कुणाल चौधरी के सामने टिकट मिल जाए, लेकिन वो बाहरी और बी डी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बी डी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, आऊंगा मैं आपके पास। भाई है उच्च शिक्षित प्रतिभाशाली नौजवान, और समाज के लिए सेवा के भाव के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता आज मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ एक प्रत्याशी भोपाल की दक्षिण विधानसभा से मेरे प्रदेश के महामंत्री भाई भगवानदास सवनानी जी, जो एक आदर्श कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा से रहे हैं, आज वो भी यहां पर उपस्थित हैं। तो मैं इस सूची के लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मन में मोदी इस अभियान के साथ फिर इस बार भाजपा सरकार और जीत का इतिहास और परचम फहराने में ये 94 में से 92 प्रत्याशी जो आज जिनकी घोषणा हुई है वो इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूची में 26 साल का नौजवान शिवराम कन्नौजे भी है, जो एमएनआईटी से बीटेक करने के बाद एमटेक करते हुए एक अच्छी नौकरी में काम कर रहे थे, लेकिन समाज की सेवा के क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर मैं भी जनजातीय समाज के अंदर काम करना चाहता हूं। ऐसा 26 साल का नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी ने मनावर की सीट से उन्हें प्रत्याशी, उच्च शिक्षित नौजवान को प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी ओर इस सूची में हमारे युवाओं को भी कई प्रकार के अवसर मिले हैं। इस सूची के अंदर ऐसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जिन्होंने संगठन के काम के साथ समाज में भी अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, इस चुनाव में सभी जीत का इतिहास बनाएंगे। केवल 2 सीटें अभी किन्हीं कारणों से थोड़ा वो रुकी हुई थी, विदिशा और गुना, दोनों सीटों की डिक्लेरेशन मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाएगी, आजकल के अंदर ही। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मीयता मध्य प्रदेश के जनता के ऊपर, उनका स्नेह जो आशीर्वाद है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में जो उतरे हैं विकास और गरीब कल्याण को लेकर। अभी हमारे शक्ति सम्मेलनों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर लगे हैं। 9.5 करोड़ जनता में से 6.98 लाख के लगभग वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, वो लाडली बहना योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 3,62,000 लोगों को 5 लाख रुपए का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को इलाज का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो 9.5 करोड़ में से 6.98 लाख के लगभग हमारे हितग्राही मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम किया उन हितग्राहियों का गढ़ बन गया है। तो विकास और गरीब कल्याण, इसका झंडा और ध्वज लेकर के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बन के मैदान में उतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास और गरीब कल्याण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का